ड्रामा सीरियल सिंफ आहन में आरजू ने नरेश की बोलती बंद करवा दी और उसको हकीकत का आईना दिखा दिया। नरेश को अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड था, लेकिन आरजू ने नरेश का गरूर खाक में मिला दिया। नरेश आरजू के पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत बदल गई हो और पहले वाली आरजू ही नहीं रही। आरजू कहती है कि वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। नरेश कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगे। लेकिन आरजू साफ इनकार कर देती है कि उसे अभी शादी ही नहीं करनी, अभी वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करना चाहती है। उसके बाद वो सोचेगी कि कहाँ शादी करनी है, कब करनी है और किसके साथ करनी है। नरेश ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ शाइस्ता खानजादा के वालिद बहुत परेशान हैं। जब से उनकी बेटी आर्मी में गई है, उनको फिक्र लग गई है कि कहीं उन्होंने शाइस्ता का रिश्ता उसके कज़न से करके कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। शाइस्ता की वालदा भी अपने शौहर को समझाती हैं कि आप फिक्र ना करें, कुछ गलत नहीं होगा। शाइस्ता की बहन भी शाइस्ता को समझाती हैं कि हमारा कज़न बहुत अच्छा है और लिबरल है, तुम उससे शादी से इनकार करके गलती करोगी। लेकिन शाइस्ता इस बात को भी नहीं समझ रही, क्योंकि उसकी हाल ही में पीएमए में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और उसके ख्वाब बहुत ऊँचे हैं। उसका कहना है कि मेरे कज़न ने सिर्फ एफ़ए ही तो किया है। लेकिन उसकी बहन उसको समझाती है कि एफ़ए करने के साथ इंसान का लिबरल होना भी ज़रूरी है। उसकी तालीम को मत देखो, तुम ये देखो कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ उसका वालिद भी इसी वजह से परेशान है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।